तो ये लीजिए, मेरा एक कुरकुरा सुपर टेस्टी नाश्ता बन करके एकदम से रेडी है। चलिए मैं आपको दिखाते हैं, कितना देखिए कितना करारा है ये, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत अंदर से एकदम मुलायम है ये, और आप किसी भी चटनी से खा सकते हैं। टमाटर हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं 10-15 दिन से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। बहुत ही जरूरी काम में मैं व्यस्त हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐसा करारा नाश्ता बनाने वाली हूँ कि आप इसे खाकर और खिलाकर एकदम से खुश हो जाएंगे। और ये नाश्ता होली पे आप चाहे तो 2 दिन पहले एकदम इजी तरीके से बना करके स्टोर करके और जो भी आपके दरवाजे पे आ रहा है उसे खिला सकते हैं और खा भी सकते हैं। इतनी प्यारी टेस्टी ये नाश्ता मेरा बन करके रेडी होगा। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये हरी धनिया है, हरे लहसुन है, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, 4 हरी मिर्च है जिसे मैं 2 टुकड़ों में काट लिए हैं, और ये चारों चीज को हमें पेस्ट बनाना है। और ये 2 आलू है, एक बड़ा है एक छोटा है, इसे कद्दूकस करना है। तो ये देखिए मेरा ये चटनी बन करके रेडी हो चुका है। ये बहुत ही कुरकुरा होगा, आपका सारे झंझट से मुक्त हो जाएंगे। होली पे क्या मैं बनाऊं, चिप्स बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, ये सारे चीज से आप मुक्त हो जाएंगे। ये वाली नाश्ता आप 2 दिन पहले बना करके एकदम तत्काल बना करके आप खिला सकते हैं मेहमान को। तो चलिए मैं, ये चटनी तो मेरा बन चुका है, अब मैं इसे कद्दूकस कर लेते हैं। आलू उबालने का भी झंझट खत्म हो गया है। तो ये लीजिए मेरा ये आलू भी कद्दूकस हो चुका है। अब हम आगे, हमने गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, 2 चम्मच तेल डाला है हमने। तेल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और जवाइन और मंगरेल, ये तीनों चीज मिला करके 1 चम्मच है इस तेल में डाल देंगे। थोड़ा सा चटकने देते हैं। अब ये तीनों चीज चटक चुका है। अब हम इसमें जो हरी धनिया और पेस्ट बनाए हैं जो, उसको ऐड करेंगे। जो हमने आलू कद्दूकस किए हैं उसे भी इस पेस्ट में ही डाल देना है ताकि ये आलू अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जो चटनी वाली पानी थी उसे, और इसे थोड़े देर के लिए भून लेते हैं, 1 से 2 मिनट, जब तक ये आलू मेरा अच्छे से पक ना जाए। इसमें ही थोड़ा जो मसाला डालना है अभी मैं इसमें ही ऐड करूंगी। नमक डालेंगे इसमें, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला इसमें बहुत ही लाजवाब टेस्ट देगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास अगर चाट मसाला ना हो तो आप इसके जगह पे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच है, 1/2 चम्मच ये धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इससे ज्यादा मसाला हमें नहीं डालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही जल्दी ये पक जाएगा क्योंकि आलू जो है ना एकदम से सॉफ्ट है, एकदम वही हमने पतले वाले कद्दूकस किए हैं जिसे जल्दी ये आलू पक जाए। अगर आपको कद्दूकस करने वाला न हो तो आप आलू बॉयल करके भी ले सकते हैं इसमें। तो ये देखिए मेरा ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, इस गिलास से नाप कर हमने पानी इसमें डाले हैं। अगर आगे जरूरत लगेगा तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से पका लेते हैं, बस एक बॉयल आ जाए। तो ये देखिए मेरा ये घोल जो है एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी सूजी। ये देखिए इस कटोरी से हमने नाप करके लिए हैं सूजी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से इसमें जो जितना मटेरियल हमने डाले हैं उसे बढ़ा लें। अब हम इसे सूजी इसमें मिला देंगे अच्छे से। गैस को स्लो कर देंगे, नहीं तो पानी जो है ना जल जाएगा और मेरा सूजी अच्छे से फूलेगा नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और 2 चम्मच मैदा,
मैदा के जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से एकदम डो के जैसे बना लेना है, जैसे रोटी का आटा आप बनाते हैं ना अपने घर में, उस तरीके से इसे बना लेना है। अगर पानी आपको कम लगे तो पानी बढ़ा सकते हैं इसमें। एकदम बढ़िया से इसे मिला लेना है अच्छे से, जो मसाले हैं चारों तरफ अच्छे से मिल जाए, ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे ये। तो ये देखिए मेरा ये डो एकदम अच्छे से बन चुका है। अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपसे मैं मिलती हूँ 5 मिनट बाद। तो देखिए मेरा ये ठंडा हो चुका है। अब हम एक थाली लेंगे, थोड़ा थोड़ा गर्म रहना चाहिए, एकदम से ठंडा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम जो शेप देना चाहेंगे वो शेप बन नहीं पाएगा। इस थाली पे हम हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। जो मेरा ये डो है इसका 2 हिस्सा कर लेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर और बढ़िया से फैला लेंगे। एकदम पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा ही रहे। तो देखिए इस तरीके से फैलाकर इस पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे चिकना करने के लिए, और इसे इस स्पैचुला के मदद से इसे बराबर एकदम से कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने 2 थाली पे लगा लिए हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ताकि ये मेरा जो ये जो हमने बनाए हैं ये सेट हो जाए अच्छे से, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप इसे अपने मन चाहे शेप दे सकते हैं, कि इसे करारा बनाना है तो पतला पतला स्लाइस जैसे हमें काटना है, इस तरीके से हमें सारे काट लेना है। काट कर अब चलिए मैं आगे बताते हैं कि करना क्या है। फ्राई पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई जैसे भी कर सकते हैं, हल्का हल्का फ्राई करके आप नाश्ता के रूप में इसे खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो होली के दिन नहीं बना पाए तो आप 2 दिन पहले इस तरीके से भी बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और होली के दिन तल तल के सारे लोगों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब नाश्ता है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तभी आपको ये डालना है, नहीं तो ये टूटने का डर रहेगा। आराम से इसे ऑयल गर्म हो जाए, रेड हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो आप गैस को स्लो करके इसे करारा बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सीक जाए तब पलटना है, नहीं तो ये टूट सकता है। एक तरफ अच्छे से सीक जाए तो दूसरे तरफ हमें पलट करके इसे बढ़िया से सेक लेना है। अब हम करेंगे गैस को स्लो, ताकि अंदर तक अच्छे से करारा बन जाए। अंदर से थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा तभी तो अच्छा लगेगा खाने में। अब ये मेरा नाश्ता एकदम बढ़िया से तल चुका है। अब हम गैस को कर देंगे स्लो। अब इसे हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। ये देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता एकदम कुरकुरा बन करके रेडी हुआ है। इस तरीके से हमने सारे नाश्ते को कुरकुरे को अच्छे से तल लेंगे। देखिए मेरा सारा नाश्ता एकदम बढ़िया से तल चुका है, एकदम कुरकुरा है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है ये। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए मेरा ये कुरकुरा सुपर टेस्टी नाश्ता बन करके एकदम से रेडी है। चलिए मैं आपको दिखाते हैं कितना, देखिए कितना करारा है ये और खाने में तो बहुत ही लाजवाब। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत अंदर से एकदम मुलायम है ये, और आप किसी भी चटनी से खा सकते हैं, टमाटो सॉस हो या ग्रीन चटनी हो या ऐसे भी खा सकते हैं आप इस कुरकुरे को। बहुत ही मज़ा आ जाएगा ये कुरकुरा खा करके आपको, बहुत ही लाजवाब ये स्वाद है, इसमें टेस्ट है। अगर मेरा ये कुरकुरा मेरा नाश्ता आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं।